क्वेश्चन नंबर थ्री रीड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या, पी कंपनी हैज ओन्ड 75% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एस कंपनी सिंस द डेट ऑफ एस कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, देयर लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आर गिवन बिलो। अच्छा, अब इसमें ये लिखा है कि पी कंपनी ने 75% शेयर एक्वायर किए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन वन और टू में क्या था, ऑल शेयर्स लिखा हुआ था यानी कि 100% थे। अब यहां पर पेरेंट्स ने 75% शेयर एक्वायर किए, तो बाकी 25% शेयर्स दूसरे शेयर होल्डर्स के पास होंगे, अदर शेयर होल्डर्स के पास होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। उसके लिए टर्म यूज होगी एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक। अच्छा, तो पहले हम ये काम ये करेंगे, क्योंकि ये जो सब्सिडी कंपनी है, सब्सिडी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है 40,000, इसमें से 75% शेयर्स पेरेंट के पास हैं, यानी कि कितने बनेंगे 75%, 30,000, और 25% शेयर्स एनसीआई के पास होंगे 10,000 के, राइट। अच्छा, जैसे देखिए कैपिटल, ठीक। अच्छा, तो ठीक है, तो यहाँ देखिए पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 30,000 लिखा हुआ भी है ना, 30,000। तो 40,000 में से 30,000 के शेयर्स पेरेंट के पास है, बाकी 10,000 के एनसीआई के पास होंगे, अदर इन्वेस्टर्स के पास, ठीक। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट है रिटेन अर्निंग 10,000 की, ये भी डिवाइड होगी, ठीक है। 10,000 में से 75% प्रॉफिट मिलेगा पेरेंट्स कंपनी को, 75 और 25% एनसीआई में मिल जाएगा, अब ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे एनसीआई की, उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। एनसीआई कैलकुलेट करते हैं, तो कैपिटल में एनसीआई के शेयर कितने हैं, 25%, 10,000 हो गया, और रिटेन अर्निंग में एनसीआई के शेयर होगा 25%, 2,500, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो एनसीआई का शेयर बन जाएगा 12,500। हर चीज में 25% ही होगा ना, अब जो प्रॉफिट होता है ना, रिटेन अर्निंग क्या होती है, प्रॉफिट होता है, तो पेरेंट ने कितने परसेंट शेयर एक्वायर किए, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा उसको, 75%, बाकी 25% एनसीआई के पास चला जाएगा, तो प्रॉफिट भी अब डिवाइड हो जाएगा, 75% पेरेंट को मिलेगा, 25% एनसीआई को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटी सी वर्किंग हो गई, इसको फिर हम आगे रिकॉर्ड करेंगे, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले क्या लिखेंगे, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। अब पेरेंट्स के नॉन करंट एसेट में लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स 50,000, और सब्सिडी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 35, टोटल होगा 85,000। इसके बाद अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट है 30,000 की, ये तो कैंसिल हो जाएगी शेयर कैपिटल से, ठीक। 40,000 में से वो 30,000 कैंसिल हो जाएंगे ना, ये सब्सिडी की जो कैपिटल है इसमें से वो तो एनसीआई के पास चलेगा ना, वो एनसीआई के नाम से रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। 30,000 कैंसिल, बचेंगे 10,000, वो फिर एनसीआई के नाम से रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है, एनसीआई का शेयर है। जिसके बाद करंट एसेट्स एंड डायरेक्ट इसने टोटल ही दिया हुआ है, करंट एसेट्स का टोटल दिया हुआ इसने 45,000, और सब्सिडी के करंट एसेट्स हैं 35,000, तो 45,000 प्लस 35,000 80,000 हो गए करंट एसेट्स, और ये इसके टोटल एसेट्स आ गए 1,65,000। इक्विटी हम लेंगे पेरेंट्स की शेयर कैपिटल, पेरेंट की शेयर कैपिटल है 80,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग है 25,000। अच्छा, पहले हम क्या कर रहे थे, इसमें सब्सिडी की रिटेन अर्निंग एज इट इज ऐड कर रहे थे, अब एज इट इज ऐड नहीं होगी, बल्कि अब हम 10,000 का 75% देंगे, 7,500 वो ऐड होगा पेरेंट की रिटेन अर्निंग में, ठीक है। तो 25,000 में 7,500 ऐड कर लेंगे, 75%।
इसके बाद इक्विटी में और कुछ नहीं है। अब हम लिखेंगे यहां पर है वो एनसीआई, एनसीआई को शो करेंगे। एनसीआई के शेयर कितना है 12,500, 10,000 कैपिटल, 2,500 रिटेन अर्निंग, ठीक है, जो वर्किंग हमने स्टार्ट में की थी ना। ये एनसीआई शेयर आ गया कितना 12,000 का। के बाद लायबिलिटीज, तो पेरेंट्स की करंट लायबिलिटीज हैं 20,000, सब्सिडरी की करंट लायबिलिटीज हैं 20,000, दोनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल लायबिलिटीज हो गई 40,000, ठीक है। अब इक्विटी और लायबिलिटीज को ऐड करेंगे तो ये टोटल आ गया 1,65,000, ठीक है। और ये बैलेंस शीट कंप्लीट है। अच्छा देखिए, इन तीनों क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन थी। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री में दो चीजें बल्कि कॉमन थी। नंबर वन, डेट ऑफ एक्विजिशन। देखिए इन तीनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन थी, डेट ऑफ एक्विजिशन। क्वेश्चन नंबर में देखें, पेरेंट्स कंपनी ने सब्सिडरी को कब एक्वायर किया, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कब एक्वायर किया, लिखा हुआ है उधर, क्या देखा उधर, कहां लिखा 31 दिसंबर, वो कह रहे क्या, विच इट हैज ओन सिंस एस कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेट मतलब जिस वक्त हाँ कंपनी बनी उसी टाइम पर पेरेंट कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, उसके शेयर एक्वायर कर लिए, सही है। क्वेश्चन टू में देखिए, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, कब एक्वायर किया, डेट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। जिस टाइम एस कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, फॉर्म हुई, उसी वक्त पेरेंट ने उसके शेयर एक्वायर कर लिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें भी यही हो रहा है सिंस द डेट ऑफ एस कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, एक पॉइंट कॉमन था। अच्छा ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो पेरेंट कंपनी है वो सब्सिडियरी को इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही एक्वायर करे, जरूरी थोड़ी है। एक रनिंग कंपनी को भी तो एक्वायर कर सकते हैं, एक कंपनी है 2-4 साल 5-10 साल हो गए चलते हुए, अब आप उसको एक्वायर कर रहे हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। अच्छा सेकंड, एक पॉइंट और कॉमन था इन तीनों क्वेश्चन में, कि पेरेंट्स कंपनी ने सब्सिडी के जो शेयर्स एक्वायर किए वो किस रेट पर एक्वायर किए, पार वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे। हाँ देखिए, $1 पे एक्वायर किया और उसके शेयर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल $1, 40,000 के शेयर, 40,000 की इन्वेस्टमेंट, सेम पार वैल्यू पे एक्वायर मार्केट पे नहीं करते, अभी इसी पे आ रहा हूँ। यहाँ देखे, यहाँ भी पार वैल्यू $1, 80,000 और कैपिटल कितना था सब्सिडी का, $80,000 पार वैल्यू पे एक्वायर। क्वेश्चन नंबर थ्री, $1 और यहाँ पार वैल्यू $1, दो चीजें कॉमन थी, एक तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे एक्वायर किया और पार वैल्यू पे एक्वायर, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एक रनिंग बिजनेस को भी एक्वायर कर सकते हैं, और अच्छा रनिंग बिजनेस एक्वायर करेंगे तो उसके शेयर की वैल्यू पार वैल्यू से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। बट कि कंपनी है जो मार्केट में कई साल से चल रही है और एक मार्केट में उसका नाम भी है, गुडविल है, अब आप उस कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं तो उसका शेयर आपको पार वैल्यू पे तो नहीं मिलेगा, मार्केट वैल्यू में मिलेगा, मार्केट वैल्यू पार वैल्यू से ज्यादा होगी, आपको एक्सेस अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। और गुडविल अगर है तो गुडविल की पेमेंट भी एक्स्ट्रा आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तब हम क्वेश्चंस करेंगे इसी टाइप की, कभी एक रनिंग बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं और आप पार वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन भी इसी तरह के आएंगे, ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस थी, 1-2-3 एक बेसिक स्टेप्स आपको समझ आ जाए। अच्छा इसका ये कुछ स्टेप्स हैं, टोटल 5 स्टेप्स हैं, या कह देंगे 5 वर्किंग्स हैं जो पूरे टॉपिक में यूज होंगे, ठीक है। 5 वर्किंग्स हैं, इस 5 वर्किंग की बेस पे हम
हर तरह की बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, पहले तो अपने ग्रुप स्ट्रक्चर बना लेना कि पेरेंट कंपनी है, एस कंपनी है, कितने परसेंट एक्वायर किया। अच्छा, ये वर्किंग वन, ये सिर्फ वो मैनुअल एग्जाम्स की हद तक होती है, वहां पे आपको शो करना होगी। आप लोगों का सीवी एग्जाम है तो ये तो आप रफ में शो करें ना करें, एक ही बात है, यानी कि एक वर्किंग तो आपकी खत्म हो, बाकी स्टार्ट मेन क्या बच गया, चार आप। अच्छा, पहले स्टेप क्या होगा, ग्रुप स्ट्रक्चर हमने बता दिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सब्सिडी कंपनी के नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, नेट एसेट्स क्या होते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अच्छा, टोटल एसेट टोटल माइनस टोटल लायबिलिटीज को इक्विटी भी कहते हैं, एसेट माइनस इक्विटी भी होता है, तो इक्विटी या नेट एसेट्स एक ही बात हो गई। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम इक्विटी को यूज करेंगे, तो एसेट माइनस लायबिलिटी नहीं करेंगे, बल्कि हम सब्सिडी की इक्विटी ले लेंगे जो कि इक्वल होगी नेट एसेट्स के बाद एक ही है। अच्छा, दो कॉलम बनेंगे, एट डेट ऑफ एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट मतलब ईयर एंड, कि जिस डेट पर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। अच्छा, नेट एसेट्स निकालेंगे, नेट एसेट्स के बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसकी गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन क्या होगी भाई, पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट लेंगे, पेरेंट ने कितना इन्वेस्ट किया, एनसीआई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, अगर पेरेंट ने लेस देन 100% शेयर एक्वायर किए तो बाकी शेयर एनसीआई के पास होंगे, तो उसकी भी कुछ इन्वेस्टमेंट होगी ना, दोनों की इन्वेस्टमेंट को ऐड कर लेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई इन सब्सिडरी, और उसमें से हम माइनस कर देंगे नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, तो हमारे पास आ जाएगी सब्सिडरी की गुडविल। ठीक, इन्वेस्टमेंट माइनस नेट एसेट्स इक्वल्स टू गुडविल आएगी। ठीक, ये कैलकुलेशन गुडविल की होगी इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद वर्किंग थ्री, फोर और फाइव में, अच्छा अभी जो हमने क्वेश्चन थ्री में वर्किंग की थी छोटी सी एनसीआई की कैलकुलेशन की थी ना, वो वर्किंग फोर में आ जाएगी। इसमें हम देखेंगे एनसीआई वैल्यू एट एक्विजिशन, सपोज करेंगे पेरेंट्स ने एक्वायर किए 60% शेयर, तो एनसीआई के पास कितने होंगे 40%, तो उन 40% शेयर्स की आज वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हम ले लेंगे कि 40% शेयर्स एक्वायर करने के लिए सब्सिडी ने जो एनसीआई ने जो इन्वेस्टमेंट की आज उसकी वैल्यू कितनी है। अच्छा, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये हमेशा गिवन होगी। जैसे अभी हमने क्वेश्चन थ्री में क्या किया था, 40,000 का 25% कैलकुलेट किया था, 10,000 आ गया था ना एनसीआई वैल्यू, तो यहाँ पर अब क्या होगा, क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको हमेशा गिवन होगी, कैलकुलेट नहीं करनी। और उसमें हमने क्या किया था, रिटेन अर्निंग को ऐड किया था क्वेश्चन थ्री में, तो यहाँ भी हम वही करेंगे कि एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऐड कर लेंगे एनसीआई का शेयर। ठीक है, ये तो वही वर्किंग हो गया। अच्छा, ये लिखा है एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, इसका क्या मतलब हुआ, पोस्ट एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन के बाद, लेकिन एक्विजिशन से पहले का जो प्रॉफिट होगा वो तो सारा सब्सिडी का होगा ना, पेरेंट्स में उसका कोई शेयर नहीं होगा। एक्विजिशन के बाद जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड होगा ना पेरेंट्स और एनसीआई में, एक्विजिशन के बाद वाला प्रॉफिट डिवाइड होगा पेरेंट्स और एनसीआई में, एनसीआई दोनों में डिवाइड होगा ना। क्वेश्चन थ्री में हमने किया था 75% 25% ना रिटेन अर्निंग का। ठीक है, अच्छा वहां तो हमने पोस्ट और प्री को नहीं देखा, क्योंकि वहां तो उसने एक्वायर कब किया था, एक्विजिशन के टाइम पर, तो स्टार्ट से जितना भी प्रॉफिट था सारा ही पोस्ट एक्विजिशन था। ठीक है ना, वहां पे क्या था, 1, 2, 3 में एक्वायर कब कर रहे थे, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, तो जितना भी प्रॉफिट था वो सब पोस्ट एक्विजिशन था। ठीक, अच्छा भाई, अगर आप रनिंग बिजनेस एक्वायर करेंगे, रनिंग कंपनी के, तो जिस टाइम पे आप एक्वायर करेंगे तो उस वक्त रिटेन अर्निंग का बैलेंस कुछ होगा होगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट अर्न होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा या पहले वाला होगा, बाद वाले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना एक्विजिशन के बाद, तो इसलिए यहाँ टर्म यूज होगी पोस्ट एक्विजिशन रिटेनर। ठीक, तो पहले वाला माइनस हो जाएगा, बाद वाला डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, वर्किंग फाइव में हमने अभी जो पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग कैलकुलेट की वो वर्किंग आ जाएगी, पेरेंट्स रिटेन अर्निंग गिवन इक्वेशन में, उसमें ऐड कर लेंगे पेरेंट्स शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। जैसे क्वेश्चन थ्री में हमने किया था, यहाँ पे हमने लिया था 75% ना रिटेन अर्निंग का, तो वो आ जाएगा, ऐड कर लेंगे पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग आ जाएगी।
तो इसके अंदर देखें वैसे तो ये पांच वर्किंग है, तो मेन इसमें वर्किंग जो है वो सिर्फ क्या है, ये वर्किंग टू और थ्री है राइट। इसमें हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे टू में, और थ्री में गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी तो ये रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन है, ये आसान। ठीक है, सब्सिडियरी नहीं, गुड, क्योंकि आप खरीद किसको रहे हैं, सब्सिडियरी तो उसकी गुडविल निकालेंगे ना, हाँ पेरेंट्स की होगी तो ऐड कर लेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, मतलब कैलकुलेट जो हम करेंगे वो सब्सिडी की करेंगे, वो गिवन होगी, कैलकुलेट नहीं करनी आप, वो क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर होगी नहीं होगी तो नहीं होगी, कैलकुलेट नहीं करनी, कैलकुलेट सिर्फ सब्सिडी को, क्योंकि हम सब्सिडी को एक्वायर कर रहे हैं। और एक चीज और बताऊं आपको, गुडविल जो होती है नॉर्मली हम अपनी गुडविल रिकॉर्ड नहीं करते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड प्रैक्टिकली नहीं होती, सिर्फ जो एक्वायर्ड गुडविल होती है, परचेज गुडविल, वो रिकॉर्ड की जाती है। अब हम सब्सिडी को एक्वायर कर रहे हैं, हम गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो वो गुडविल हम परचेज कर रहे हैं ना उसकी गुडविल, तो वो रिकॉर्ड होगी, अपनी जो गुडविल होती है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। अच्छा क्यों नहीं करते, उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, अपनी जो गुडविल है आपका नाम फेम शोहरत, उसकी कैलकुलेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, नहीं पता, जब तक कि आप उसको सेल ना करें ना। अब आप अपनी गुडविल सेल करेंगे तो आपको एक अमाउंट मिलेगा, तो आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो रिकॉर्ड नहीं करते, परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है। तो इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको पैरेंट की गुडविल नहीं मिलेगी, सिर्फ सब्सिडी की कैलकुलेट होकर वो रिकॉर्ड होता है। ओके, तब एक क्वेश्चन करते हैं सर रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या था, फॉलोइंग इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ टू कंपनीज डेरिक एंड क्लाइव। ठीक है, कहते डेरिक एक्वायर्ड ऑल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ क्लाइव वन ईयर अगो, अच्छा रिटेन अर्निंग, अच्छा एक साल पहले एक्वायर किया उसको, ठीक, रिटेन अर्निंग ऑफ क्लाइव, अच्छा डबल प्रिंट हो गया, रिटेन अर्निंग ऑफ क्लाइव स्टूड एट 2000 ऑन द डे ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जब पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर किया तो उसका रिटेन अर्निंग बैलेंस कितना था, 2000 बैलेंस पड़ा हुआ था। अच्छा गुडविल इज कैलकुलेटेड यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड, वो फिर यूज करेंगे, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या, वन ईयर अगो एक्वायर कर रहा, मतलब एक रनिंग बिजनेस एक्वायर हो रहा है, ठीक, अच्छा वही फाइव स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप वन में हम क्या दिखाएंगे, ग्रुप स्ट्रक्चर, ठीक, तो पेरेंट कंपनी कौन है डायरेक्ट, सब्सिडी कंपनी कौन है क्लाइव, 1 जनवरी को एक्वायर किया उसने वन ईयर अगो, और कितने परसेंट शेयर एक्वायर किए, 100% एक्वायर किए। अच्छा यहाँ पे पेरेंट ने 100% शेयर एक्वायर किए, तो इसमें एनसीआई कुछ भी नहीं होगा, तो वो जो वर्किंग फोर हमारी है वो इसमें नहीं आएगी, ठीक है, वर्किंग वन टू थ्री और फाइव आ गए। अच्छा ये वर्किंग वन हो गई, अच्छा वर्किंग टू में अब हम बाद में कॉपी करेंगे, अब इसके नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी। अच्छा नेट एसेट्स हम कैलकुलेट करेंगे इक्विटी को यूज करते हुए, अच्छा देखिए पैर सब्सिडी की इक्विटी पे आ जाए, सब्सिडी का शेयर कैपिटल कितना है, 4000, शेयर प्रीमियम 6000, रिटेन अर्निंग 9000 है। अच्छा ये जो बैलेंसेस आप बैलेंस शीट आपको दिए कब की है, 31 दिसंबर, ईयर एंड हो रहा है, ठीक है, अच्छा तो ये तो शेयर कैपिटल प्रीमियम और रिटेन अर्निंग है। अच्छा यहाँ हमने दो कॉलम बनाए, एट एक्विजिशन डेट, एट रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट मतलब आपका ईयर एंड। अच्छा अब यहाँ जो बैलेंस शीट दी है ये ईयर एंड की दी है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग डेट पर यानी कि एक्विजिशन डेट पे, एट एक्विजिशन डेट एक साल पहले, उस वक्त शेयर कैपिटल कितने थे, शेयर प्रीमियम कितना था, रिटेन अर्निंग कितना था, ठीक, तो इसमें देखिए ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें सिर्फ आपको रिटेन अर्निंग की इंफॉर्मेशन दी है कि रिटेन एक्विजिशन के टाइम पर रिटेन अर्निंग बैलेंस कितना था 2000, और आज ईयर एंड पे रिटेन अर्निंग बैलेंस कितना हो गया, 9000, यानी कि एक साल में कंपनी ने 7000 का प्रॉफिट कमा लिया, अर्न किया, ठीक, बाकी कैपिटल और प्रीमियम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट मींस कैपिटल और प्रीमियम सेम ही थे, ठीक है। अच्छा और आपके लेवल पे
ये कैपिटल और प्रीमियम सेम ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ रिटेन अर्निंग में चेंज है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल दोनों कॉलम्स में 4000, शेयर प्रीमियम 6000, दोनों डेट्स पे सेम, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्विजिशन के टाइम पे क्या बैलेंस था, एंड पे क्या बैलेंस है ना। हाँ, रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमेशा डिफरेंट है। अब एक्विजिशन पे रिटेन अर्निंग कितनी है 2000, और रिपोर्टिंग डेट पर 9000, ठीक। अब इसका टोटल कर लेते हैं, ये हमारे पास नेट एसेट्स आ गए एट एक्विजिशन, और ये दूसरे कॉलम में नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट, ठीक। अच्छा, ये नेट एसेट्स आ गए। अब हम सब्सिडरी की गुडविल कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेट होगी वर्किंग थ्री। अच्छा, अब पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, यहां लिखा हुआ है, देखिए इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन क्लाइव 27, तो पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट की 27,000 की। अच्छा, एनसीआई इसमें नहीं है क्योंकि पेरेंट ने 100% शेयर एक्वायर की, तो 27,000 की इन्वेस्टमेंट करके पेरेंट्स ने सब्सिडी को एक्वायर कर दिया। अच्छा, अब एक्विजिशन के टाइम पर सब्सिडी के नेट एसेट्स कितने थे, एक्विजिशन डेट पर देखें सब्सिडी के नेट एसेट्स थे 12,000 के, 12,000 के, और पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट कितनी की 27,000, ठीक है। तो 12,000 के नेट एसेट्स एक्वायर करने के लिए पेरेंट ने 27,000 की इन्वेस्टमेंट की, तो बाकी एक्सेस अमाउंट कितना बना 15, तो 15,000 के चीज के हो गए गुडविल के हो गए। ये हमारे पास गुडविल आ गई 15,000, 12,000 कहां से है, वर्किंग टू से, ये 12,000 है, ठीक है। तो एक्विजिशन के टाइम पर सब्सिडी के नेट एसेट्स कितने थे 12,000। अब अपने 12,000 के नेट एसेट्स एक्वायर करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी की 27,000 की, तो एक्सेस अमाउंट कितना पे किया आपने 15,000, तो वो किस बात के, गुडविल के दिया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज का पे किया आपने, गुडविल, तो ये सब्सिडी की गुडविल आ गई 15,000, ठीक है। अब वर्किंग फोर नहीं होगी क्योंकि इसमें एनसीआई नहीं दिया हुआ। अब वर्किंग फाइव, अच्छा यहां तो लिखेंगे फोर ही इसको, लेकिन ये होगी वर्किंग फाइव, फॉर्मेट के हिसाब से वर्किंग फाइव। अब इसमें हम ग्रुप रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करेंगे, प्रॉब्लम क्या आपके साथ, पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग कितनी है 40,000, ठीक है। अच्छा, अब इसको इसमें सब्सिडी की रिटेन अर्निंग ऐड हो जाएगी कितनी, हाँ देखें इसमें मैं वापस चलता हूँ, वर्किंग टू पे चलेंगे, ठीक है। एक्विजिशन के टाइम पर सब्सिडी की रिटेन अर्निंग बैलेंस था 2000, इसमें से तो पेरेंट को कोई शेयर नहीं मिलेगा ना। रिपोर्टिंग डेट पर एनसीआई के रिटेन सब्सिडी की रिटेन अर्निंग कितनी है 9,000, डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का 7,000, तो 7,000 में से पेरेंट को शेयर मिलेगा ना। तो इसको मतलब ये कि सब्सिडी ने एक्विजिशन के बाद 7,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तो उसमें से पेरेंट और एनसीआई को शेयर मिलेगा। तो यहाँ चूंकि पेरेंट ने 100% शेयर एक्वायर किए, तो 7,000 का पूरा 100% पेरेंट को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पेरेंट की रिटेन अर्निंग में सब्सिडी की रिटेन अर्निंग 100% ऐड कर लेंगे, तो ये ग्रुप रिटेन अर्निंग आ जाएगी 47,000, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 1, 2, 3 में तो हमने डायरेक्ट ऐड करके दिखा रहे थे, यहाँ हमने इसको अलग से वर्किंग की फॉर्म में दिखा दिया, ठीक। अच्छा, तो वर्किंग कंप्लीट हो गई, बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, तो पहले वही नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 75,000, 11,000, ठीक है, दोनों ऐड कर लिया। अच्छा, गुडविल हमने कैलकुलेट की, गुडविल की नेचर क्या है, एसेट है करंट नॉन करंट, नॉन करंट एसेट है, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट,
अब यहाँ गुडविल भी रिकॉर्ड होगी 15,000 से, ठीक है। अच्छा इसके बाद, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट है 27,000 की, ये तो कैंसिल हो गई, ठीक है। फिर करंट एसेट्स, अच्छा करंट एसेट्स डायरेक्टली दिए 2,14,000 और 33,000, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक। अब एसेट्स का टोटल, ठीक है, ये टोटल एसेट्स आ गए 3,48,000। अच्छा इक्विटी, इक्विटी में पेरेंट्स की कैपिटल लेंगे 80,000, ठीक है। इसके बाद रिटेन अर्निंग, अच्छा शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम लेंगे पेरेंट्स का 20,000, ठीक है। अच्छा इसके बाद रिटेन अर्निंग अब हम लेंगे वर्किंग फोर्स है, वर्किंग फोर में देखें रिटेन अर्निंग का टोटल क्या था 47,000, तो रिटेन अर्निंग आ गई वर्किंग फोर्स से 47,000, ठीक है। इसके बाद करंट लायबिलिटीज हैं 176,000 और 25,000, दोनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल लायबिलिटीज आ गई 2,01,000। अब लायबिलिटी और इक्विटी को ऐड कर लेंगे, ये टोटल आ जाएगा एसेट्स के ई, तो बैलेंस शीट कंप्लीट।